हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ कुक एंड ब्लॉग्स विद झा यस इसमें से कुकिंग तो हम थोड़ा सा साइड ही कर देते हैं बिकॉज कुकिंग डेली करते हैं बट दिखा नहीं पाते और डेली नॉर्मल खाना बनता है कुछ एक्साइटिंग सा कुछ अलग सा बनाते हैं तो ज़रूर मम्मी भी शेयर करती हैं और मैंने कुछ ट्राई किया तो ज़रूर मैं भी शेयर करती हूँ तो यहाँ पे बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पहले तो मैं इस बाल को ठीक कर ये अलग सा ही पॉपअप हो रहा है तो ठीक है अब ठीक है सेटल डाउन हो गया यस आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है साथ ही साथ आप सभी ने पूछा है कई बार एक क्वेश्चन तो मैंने सोचा क्यों ना आज बनाऊं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस वीडियो बन इस वीडियो को बनाने में और बहुत सारा कंटेंट आएगा मैं ज़रूर लेके आऊंगी इस चैनल पे और निराक्षी पे तो छोटी मोटी ब्लॉगिंग हो ही जाती है तो उस चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करें आप सभी निराक्षी ब्लॉग्स वो भी बहुत अच्छा चैनल है हमारा ग्रोइंग स्टेज में है तो ज़रूर सपोर्ट भी करें और बात कर लेते हैं आज की वीडियो पहले तो मैं अपने लुक के बारे में बात करूंगी मैंने बहुत ही सिंपल सा लुक रखा है आज आप सभी कहेंगे कि मैं साड़ी की वीडियो बना रही हूँ मैंने साड़ी खुद तो डाली नहीं है तो मैंने ये टी शर्ट डाला हुआ है ये अगर आपने मेरा भाई दूज वाला ब्लॉग देखा होगा तो ये टी शर्ट मुझे गोलू ने गिफ्ट किया था जो कि बहुत कंफर्टेबल है बहुत ही अच्छी है ओवर साइज टी शर्ट है बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही लुक में कंफर्टेबल रहती हूँ मतलब मैं ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं कर सकती आज लाइनें लगाने का मन नहीं था तो मैंने काजल ट्राई किया काजल भी मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे काजल ओके ओके लगता है इसलिए मैं काजल बहुत लेस ट्राई करती हूँ लाइनर लगा लेती हूँ लाइनर से अच्छा लगता है मुझे मतलब कंफर्टेबल फील होता है तो कंफर्टेबल तो खैर वैसे भी रहता है और लिपस्टिक शेड में मैंने दूसरा शेड लगाया एक न्यू शेड लेके आई थी मैं वो भी शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में मेकअप ट्यूटोरियल व्लॉग बनाऊँगी उसमें तो बस बिंदी नहीं लगाई बिकॉज मैंने टी शर्ट और लोअर डाला हुआ है और उस पर बिंदी अच्छी नहीं लगती ये नेल पेंट मैंने लगा रखी है दिवाली से दिवाली वाली साड़ी तो इसी बात पे दिवाली वाली साड़ी दिखा देती हूँ मैं और साथ ही साथ ये मैं दिखाऊंगी वट सावित्री वाली साड़ी उसको उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है बहुत हैवी है ये और ये आज की जो वीडियो होने वाली है इन्हीं दोनों साड़ी पे होने वाली है कि ये दोनों सिल्क की साड़ी मैंने कहाँ से ली और कैसी है और आप सभी भी कहाँ से ले सकते हैं मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि ये साड़ी मैं यहाँ से ले रही हूँ या फिर मैं मैं कोई भी साड़ी की शॉपिंग करती हूँ तो मैं यहाँ से करती हूँ या वहाँ से करती हूँ स्टिल कुछ लोग जो होते हैं जैसे कुछ मे बी स्किप करके देखते हूँ वीडियोस होता है सबके पास टाइम नहीं होता कि दस मिनट की प्रॉपरली पूरी वीडियो देखें तो इसी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बात कर रही हूँ स्टिल साढ़े मिनट हो चुके हैं तो साढ़े तीन मिनट तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखें प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके ताकि हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी साड़ी खरीदना चाहता है तो उसे एक तो सही प्राइस में मिले क्योंकि मैं अगर लेके आती हूँ ना कोई चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट अच्छी तरीके से करती हूँ और कुछ भी नहीं ले लेती हूँ आप सभी के लिए थोड़ी सी यूजफुल हो ये वीडियो मैं यही कोशिश करूंगा तो इसीलिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं ये वीडियो इन दोनों साड़ी पे ये जो साड़ी है ये बहुत अमेजिंग है ये प्योर सिल्क में है ये साड़ी प्योर सिल्क है जैसे कहते हैं ना कि आ, लोकल भी होती है मार्केट्स में कई लोगों का कमेंट आएगा कि आप सिल्क साड़ी बोल रहे हो और दो हज़ार प्राइस बता रहे हो तो ये लोकल है यस लोकल नहीं होता कुछ फैब्रिक में डिफरेंस आ जाता होगा लेकिन ये साड़ी यस इसका प्राइस मैं बता दूँ दिस इज़ ऑफ फोर थाउजेंड समथिंग फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड है या फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड है मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई शायद मी की बात है और ये साड़ी ये मम्मी ने ली थी और ये बहुत अच्छी है आपको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ तो आप पहचान पाओगे कि ये कैसी है ये देखिए इसमें ये सारी चीज़ें ना मुझे चुभती हैं लिटरली मैं बता रही हूँ मैंने ले तो ली ये साड़ी और ये पूरे में है ये पहनना ना एक बार मैंने पहन लिया दोबारा शायद ही कभी हिम्मत करके पहनूंगी मैं इसका बॉर्डर देखिए आप बॉर्डर इस पे सारे ये मुकेश लगे हुए हैं और ये जो साड़ी है ये नीदर ऑरेंज नॉर इट इज रेड मतलब ये ना रेड है और ना ही ऑरेंज है ये शेडी साड़ी है आप इसको धूप छाव वाली साड़ी कह सकते हो क्योंकि इसमें एक धागा तो ऑरेंज का यूज किया हुआ है और एक धागा जो यूज किया हुआ रेड का ऊपर रेड है और नीचे की तरफ से ऑरेंज है मतलब नीचे की तरफ से जो धागा यूज़ किया हुआ है ये देखिए ये ऑरेंज धागा यूज किया हुआ है तो ये धूप धूपझहाँ साड़ी है बहुत ही अमेजिंग लुक में है बहुत मतलब मुझे पहने हुए आप सभी ने देखा था वट सावित्री में तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे ना मैं बता नहीं सकती इसका पल्ला बहुत ये साड़ी ही एक्चुअली बहुत हैवी है ये देखिए पल्ले में ये जो टैसल्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो इसका पल्लू है ये पूरा फुल ऑफ मुकेश और ये सिल्क का वर्क बहुत ही अमेजिंग साड़ी है मतलब मैं बताऊं तो मन खुश हो जाएगा अगर आप ये साड़ी लेंगे आप पहन के कहीं जाएंगे तो लगेगा कि हाँ अगर चार हजार आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं डूबे और दूसरी चीज इसका ट्रेंड कभी आउट नहीं होता है चाहे जॉर्जेट साड़ी का ट्रेंड हो शिफॉन का हो सिल्क साड़ी हमेशा चलेगी तो कभी भी अगर आप ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा ना ऑथेंटिक चीजें लेने में ज्यादा इन्वेस्ट करें तो आप सभी को मतलब वैल्यू टू रेट मिलेगा और आप बार बार रिपीटेडली पहन सकते हो तो पैसे भी वसूल हो जाएंगे मैं खुद ही इसको एक बार पहना है मैंने दोबारा सोच रही हूँ कुछ ठंड में कोई फंक्शन होगा तो डाल लोंगे बाकी ये कहाँ से लिया तो ये मैंने अरुण वस्त्रालय से लिया है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आप सभी को अगर आप सभी अरुण वस्त्रालय गए हैं तो उसी फ्लोर से है सबसे अपर फ्लोर जिसमें शिफोन की भी मतलब वहाँ से फोर थाउजेंड से स्टार्टिंग होती है उसके नीचे से नहीं मिलती आप जा सकते हैं ले सकते हैं उसके नीचे वाले फ्लोर पे भी सिल्क की साड़ियाँ मिलती है वहाँ से भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं इसका ब्लाउज भी बहुत अमेजिंग है इसका ब्लाउज प्लेन ऑरेंज रेड कलर का है जो मैं कई सारी साड़ियों पे डाल लेती हूँ सब पे मैच हो जाता है तो इसका ब्लाउज शायद इसकी साड़ी से ज़्यादा मैंने यूज़ किया है तो कोई नहीं और ये बहुत ही अमेजिंग साड़ी है हैवी है बात कर लेते हैं दूसरी साड़ी पे ये है जो मैंने दिवाली में पहनी कुछ गिर गया नीचे ये है मैंने दिवाली में पहनी मैंने ये कलर मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये क्योंकि रेड कलर ग्रीन कलर येलो कलर की साड़ियाँ बहुत सारी हो गई थी मेरे पास तो मैंने सोचा कि कुछ अलग डिफरेंट शेड लू मैं ढूंढ रही थी वाइन शेड लेकिन ये मुझे पर्पल शेड मिल गया ये वाइन नहीं है ये पर्पल कलर है यस वाइन जो होता है इसमें थोड़ा सा मरून भी मिक्स होता है तो वो वाइन शेड हो जाता है ये पर्पल कलर है ये भी साड़ी बहुत सुंदर है ये मुझे झाजी ने दिलवाई है आपके और ये ये क्लोज टू माई हार्ट है क्योंकि उन्होंने वो मेरे साथ गए शॉप तक वैसे क्या होता था वो अपना कार्ड दे देते दे थे, थे जाओ ले आओ जो भी लेना है तो मैं मम्मी के साथ जाती थी साड़ियाँ ले आती थी लेकिन वो मेरे साथ गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी मैंने लिए पोदार एम्पोरियम से और ये साड़ी बहुत ही अफोर्डेबल है येस दिस इज़ ओनली ऑफ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड में कुछ नहीं मिलता येस yes! बिकॉज कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ मिलता है लेकिन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड में ये साड़ी इतनी हैवी और इतनी ब्यूटिफुल साड़ी नहीं मिल सकती मुझे ऐसा लगता है अगर मिले तो मुझे भी बताना मैं भी ले आऊंगी <laughs> लेकिन हाँ मिल भी सकती है ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं वहां से मिल सकती हैं लेकिन शायद ऑफलाइन ना ये साड़ी काफी कॉस्टली देते हैं मैंने देखा है तो बात कर लेते हैं इस साड़ी की इस पर कोई मुकेश वर्क नहीं है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है दो ये भी हल्की हल्की चुभती है लेकिन इसका ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है उस साड़ी की तरह और ये उतनी हैवी भी नहीं है जैसे उसे मैं उठाती हूँ तो तो ये मैं दोबारा भी आराम से पहन सकती हूँ वो कुछ ज़्यादा हैवी है तो किसी ओकेजन पे अच्छा लगेगा जैसे किसी की शादी में मैं जाऊँ तो ये पहनूँ मतलब ये वाली साड़ी डालूं और इसके ऊपर पूरा गोल्ड की ज्वेलरी से कैरी करूं तो बहुत अमेजिंग लगेगा ये जैसे दिवाली फंक्शन हो गया घर के घर में कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी या फिर कुछ भी ऐसा होगा तो ये साड़ी बहुत अच्छी है प्रिटी है और इसका ब्लाउज प्लेन आया था प्लेन ब्लाउज में सिर्फ एक बॉर्डर था जो कि हाथ में लगा हुआ था मतलब इतना बॉर्डर था तो ठीक है सिल्क की साड़ियों पे प्लेन ब्लाउज ही अच्छे लगते हैं बा, 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 ब्लाउज ही अच्छे लगते हैं थक गई मैं कंटिन्यू दस मिनट ग्यार, साढ़े बोल रही हूं और हो चुके हैं साढ़े ग्यारह मिनट हमें तो ये दोनों साड़िया मैंने आप सभी को बता दी यस ये पोदार एम्पोरियम से ली थी मैंने अरुण वस्त्रालय जाने से पहले ही लेफ्ट साइड में एक मालीवाड़ा गली आती है उसके अंदर जाएंगे आप और इन मिड उस गली के पोदार एम्पोरियम आप किसी से भी पूछ लेना अदरवाइज आप मेरा आप मेरी दिवाली शॉपिंग ब्लॉग देखो उसमें मैंने उसका एड्रेस भी दिया है जो रिक्शे वाले होंगे उनसे पूछना ई रिक्शे वाले किसी इंसान से पूछोगे तो मे भी उसे भी ना पता हो मालीवाड़ा गली बहुत फेमस है वहाँ पे लहंगे साड़ी सब कुछ अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी तो ये दोनों साड़ियों की ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को ये दोनों मेरी साड़ियाँ कैसी लगी ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन कलर डिफरेंस है फैब्रिक डिफरेंस है तो मुझे तो दोनों ही बहुत साड़ी अच्छी लगती है अपनी और आई होप ये वीडियो जो है आप सभी के लिए यूजफुल रही हो ऐसी ही वीडियोस अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस चीज़ पे चाहिए आप सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं सोच रही हूँ कि शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो अपनी ज्वेलरीज और लहंगे को भी दिखाऊं बिकॉज मम्मी के घर से वो आ चुका है अब अब आया था करवा चौथ में एक साल से मेरे पास मेरा लहंगा और ज्वेलरी नहीं थी तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी एक एक करके अच्छे से दिखाऊं कितने का लिया वो भी वीडियो बनाने की सोच रही हूँ समअप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे लाइक करके जाना आप सभी सब्सक्राइब करके जाना और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना ये है मेरा घर का लुक जो मैं घर में नॉर्मली ऐसे रहती हूँ बस लिपस्टिक नहीं होती है कोई लिप बाम लगा के रहती हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कीप सपोर्टिंग अर्स बाय